नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ हूं। दोस्तों, चर्चा का विषय है, जी हां, 2023-24 का बजट। आज ही के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अमृतकाल का पहला बजट प्रस्तुत किया गया। और यहां पर इसी बजट में हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है कि बजट में रोजगार को लेकर क्या क्या बात कही गई। जी हाँ, बात करेंगे हम कि 2023-24 के बजट में रोजगार को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या क्या बातें कही और ये बजट हमारे लिए रोजगार के लिए कितना उपयोगी रहेगा, चलिए समझते हैं। बात अगर करूं मैं कि बजट में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया, 2023-24 का, जी हाँ, 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया। और यहीं पर वित्त मंत्री जी ने रोजगार शब्द का प्रयोग 4 बार किया। जी हाँ, जॉब शब्द का, किस शब्द का, जॉब शब्द या रोजगार शब्द का प्रयोग केवल कितनी बार किया, 4 बार इस शब्द का उल्लेख किया गया था, ठीक है, पूरे बजट के सेशन में। अगर मैं बात करूं, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में पीएम कौशल विकास योजना, जी हाँ, ध्यान से सुनना, कौन सी योजना की बात कर रहा हूं मैं, पीएम कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना, पीएम कौशल विकास योजना 4.0, ये ध्यान रखना है यहां पर, कौन सी 4.0 लॉन्च करी और इसी के तहत ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। देखो, यहां पे रोजगार को लेकर ये बात कही गई है कि जो पीएम कौशल विकास योजना 4.0, इसके तहत आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही साथ युवाओं को वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए 30 अलग अलग राज्य में, जी हां, ध्यान से सुनना, ठीक है, 30 राज्यों में, ठीक है, 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, ठीक है। यहां पे राज्य केंद्र शासित दोनों की बात हो रही है, आ रही बात समझ में। अगर मैं बात करूं कि कितने 30 अलग अलग, ठीक है, राज्यों में 30 क्या खोले जाएंगे, राज्यों में 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। यह यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम के तहत होगा। जी हां, यहां पर ये जो कार्य, ये प्रोग्राम जो ये होगा, प्रावधान कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करना है, इसके लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। अगर मैं सीधी सी बात कहूं कि कितने 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे और यह यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम के तहत होगा, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियां देने के लिए तैयार करने के लिए और 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए, ध्यान से सुनना, 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए पेन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम शुरू की जाएगी, जिसके तहत 3 साल तक क्या दिया जाएगा, भत्ता, यानी 47 लाख युवाओं को भत्ता देने की भी बात कही गई। और साथ ही साथ इस बजट में एकलव्य, ठीक है, स्कूल के लिए 38,800 टीचर और सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी, ठीक, जी हाँ, अलग से यहां पर एकलव्य स्कूलों में 38,800 टीचर और स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। और इतनी घोषणाओं के अलावा यहां पर जनजातियों के लिए भी कार्य करने की या रोजगार देने की बात कही गई है, ठीक है। तो ये प्रावधान दोस्तों जो रोजगार को लेकर था वो मैंने आप सभी के सामने यहां पर प्रस्तुत किया। और भी बजट की जो जो काम की चीजें होगी, जो हमारे लिए उपयोगी होगी, जिसको हमें समझना होगा, वो अगले वीडियो में मैं आप सभी के सामने लेकर आऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।